बड़ी खबर शिमला से, डिप्टी मेयर उमा कौशल नाराज हुई। नाराज डिप्टी मेयर ने नहीं संभाला कार्यभार, टाउन हॉल में बैठने को जगह नहीं मिली, आजीविका भवन में बैठने की जगह दी गई, उसी बात से वो नाराज हुई। उमा कौशल ने कहा कि सीएम के सामने ये पूरा मामला रखेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, टाउन हॉल में चूंकि बैठने की जगह नहीं मिली, आजीविका भवन में उन्हें बैठने की जगह दी गई थी और इसी बात से उमा कौशल नाराज हो गई और उन्होंने कार्यभार अपना नहीं संभाला आज। अब उमा कौशल ने कहा है कि दरअसल मुख्यमंत्री के सामने वो इस पूरे मामले को उठाने वाली हैं, तो नाराज डिप्टी मेयर ने अपना कार्यभार नहीं संभाला, तो टाउन हॉल में बैठने की जगह नहीं मिली, इसी बात से उमा कौशल नाराज हुई और इसी वजह से दरअसल उमा कौशल ने कहा है कि वो अब मुख्यमंत्री के सामने इस मामले को उठाएंगी। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला ब्यूरो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या पूरा मामला ये सामने आ रहा है, क्यों नाराज हुई डिप्टी मेयर उमा कौशल और अब क्या कुछ उनकी ओर से कहा जा रहा है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव हुए, तो फिर जश्न मनाते हुए मेयर और डिप्टी मेयर को वर्कर जो हैं वो जो टाउन हॉल में एमसी का दफ्तर है वहां पर महापौर बैठते हैं तो वहां पर पहुंचे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो डिप्टी मेयर उमा कौशल को इस बात की जानकारी मिली कि उनका दफ्तर वहां नहीं होगा बल्कि वो जो यहाँ पर आजीविका भवन है वहां पर उनका दफ्तर होगा, तो इस बात से वो नाराज हुई। उनका यही तर्क था कि पहले भी जो पूर्व में मेयर डिप्टी मेयर रहे हैं वो उनका दफ्तर टाउन हॉल में ही हुआ करता था, उसमें डिप्टी मेयर भी वहीं बैठा करते थे, तो ऐसे में उनका दफ्तर वहां होना चाहिए, इससे वो नाराज दिखी। और ये भी जानकारी है कि उन्होंने कार्यभार अभी संभाला नहीं था और फिर उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष कही है, लेकिन अभी तक उसमें क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है या उनका दफ्तर कहाँ होगा या उनको जो कार्यालय मिलना है वो कहाँ पर होगा, इसको लेकर अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन नाराजगी उन्होंने खुलकर जाहिर की है। अब उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है या फिर अभी कार्यभार नहीं संभाला है, प्रदीप इससे लेकर क्या अपडेट है, मुख्यमंत्री से जब बात हो गई है आप कह रहे हैं तो? देखिए, अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है, जो कार्यभार संभालने का वक्त था उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात शाम को हुई है और लेकिन उन्होंने जो है उनके अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है और उनका यही कहना है कि जो टाउन हॉल है वहीं पर ही मेरा दफ्तर होगा, वहीं पर ही मैं कार्यभार संभालूंगी, तो ऐसे में नाराजगी उन्होंने अभी क्योंकि शिमला नगर निगम के चुनाव हुए हैं और शिमला नगर निगम चुनाव के बाद में अभी डिप्टी मेयर चुनी गई है उमा कौशल, बैठने को लेकर यह विवाद है कि आजीविका भवन में मुझे जगह दी गई है, टाउन हॉल में जगह चाहिए, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है। ये जिस तरह की नाराजगी सामने आ रही है और अपनी जगह को लेकर कि मुझे एक टाउन हॉल में ही जगह दी जाए तब मैं कामकाज आगे करूंगी, किस तरह का रवैया या किस तरह का संदेश जो है ये देता है, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए चुने गए हैं ये लोग, लेकिन जनता की सेवा करने से ऊपर उन्हें अपने बैठने की जगह को लेकर प्रायोरिटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर टाउन हॉल है जहाँ पर नगर निगम का दफ्तर है, मेयर डिप्टी मेयर और साथ में जो आयुक्त है वो यहाँ पर बैठा करते हैं, तो पूर्व की ये व्यवस्था रही है लेकिन इस बार व्यवस्था थोड़ी सी चेंज की गई और उसमें ये कहा गया कि डिप्टी मेयर टाउन हॉल में नहीं बैठेंगी बल्कि उन्हें आजीविका भवन में स्थान दिया जाएगा, तो उससे इन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की है। बेशक उनको जिस स्थान पर भेजा जा रहा है, जहां पर बैठने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, उसको लेकर इनको आपत्ति इस बात की है कि ऐसी परंपरा का शुरुआत क्यों की जा रही है, क्योंकि पहले से ही जो परंपरा व्यवस्था रही है कि टाउन हॉल में ही मेयर डिप्टी मेयर का दफ्तर रहता है, तो ऐसे में ये नई तरह का आखिर में क्या कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है और क्या वजह इसके पीछे की है, ये इसको लेकर जरूर अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से भी बाकायदा बयान दिया गया है कि गुटबाजी खुलकर सामने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की आई है, लेकिन देखना ये होगा कि अब जो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है वो इस पूरे जो प्रकरण है उसको किस तरह से इस मसले का हल करता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर तमाम जानकारी देने के लिए।